नमस्कार। क्या बाथरूम में आधे आधे घंटे बैठने के बाद भी आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होता है? यदि हाँ, तो मित्रों, ये पूरा वीडियो आपके लिए ही है। आजकल पेट का खुलकर के साफ न होना एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जो आगे रोगों के लिए निमंत्रण पत्र के जैसे काम कर रहा है। अगर पेट साफ नहीं होगा तो निश्चित ही अनेकों बीमारियां शरीर में आना शुरू हो जाएंगी। आयुर्वेद में जो कहावत है, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट अगर साफ रखा जाए तो किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में नहीं पनपेगा। यदि पेट में किसी भी प्रकार की खराबी रही, पेट खराब रहा, तो ये मान लीजिए कि छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा रोग किसी भी समय बिना आपके दरवाजे को खटखटाए आपके घर में घुस जाएगा, आपके शरीर में घुस जाएगा। यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं तो आपका पेट सवेरे सवेरे एक बार में और जल्दी से साफ होता रहे, इस बात का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप उन लोगों में आ रहे हैं कि सवेरे जागे और जागने के बाद सबसे बड़ा जो रोग है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो आपके मन में यही रहती है कि पेट साफ नहीं हुआ है तो आगे का काम कैसे करें, तो आपके लिए आप कुछ ऐसी चीजें फॉलो करें जो आपके पेट को आज साफ कराने में मदद करें, और आगे आप उन चीजों का उपयोग अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो वो आपकी आंतों की स्थिति को इतना मजबूत कर देंगी कि आप जैसे ही बाथरूम में गए, विद इन 1 और 2 मिनट्स आपका पूरा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। आंतों में जो भी खाना आपने खाया था, वो जो आंतों में पहुंचा, आंतों से खिंच करके उसके पोषक तत्व तो शरीर में लग गए, और बाकी का बचा हुआ बेकार का जो एक्सक्रीटा है वो आंतों से आसानी से बिना ज्यादा समय को लगाए साफ हो जाएगा। अगर आप लंबे समय तक बाथरूम में बैठे रहते हैं तो निश्चित ही ये आपके लिए पेट की बाकी की बीमारियां पैदा करने की आदत भी मानी जाती है। क्या ऐसी आदतें हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए? क्या ऐसी आदतें हैं जिनको आपको पूरे तरीके से जल्दी छोड़ देना चाहिए? पूरा वीडियो इसी विषय पर है। समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं मुख्य बिंदु जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहला, आप खाने में बहुत मोटे आटे की रोटी का उपयोग करें। आटा गेहूं का मोटा आटा हो चलेगा। अगर संभव हो जाए तो ज्वार या जौ, या कोशिश करिए जौ और चने की रोटी आप बना करके खाएं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए और सब्जी में मिर्च मसाले चिकनाई कम से कम मात्रा में हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पानी का उपयोग आपको बहुत ज्यादा करना है। थोड़ा थोड़ा करके दिन में कम से कम 3.5-4 लीटर पानी यदि आप पीते हैं तो ये आपकी आदत आपकी आंतों को साफ रखने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा आप जो भोजन कर रहे हैं, मोटे आटे की रोटी, सब्जी की मात्रा ज्यादा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा चबा करके खाएं, क्योंकि जितना चबा करके खाया जाएगा, हम खाने को जितना चबाएंगे उतना ही जल्दी खाना पच जाएगा, और खाने का पाचन जितना अच्छा होगा निष्कासन भी उतनी जल्दी हो जाएगा। आपके आंतों में जो शिथिलता आ रही है, शिथिलता का सबसे बड़ा कारण होता है आंतों में खून के संचार में कमी, और खून के संचार में कमी का सबसे बड़ा कारण है व्यायाम की कमी। व्यायाम की कमी आप किस तरीके से पूरी कर सकते हैं? सबसे पहला काम, आप अपने शरीर को पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा
अलग से निकाल करके रखिए और वो एक घंटा जो है वो व्यायाम का समय है। व्यायाम में आप 40 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम को, या फिर एक घंटा एक बार में भी अगर आप समय लगा लेते हैं तो आपकी छोटी मोटी समस्याएं एक बार में एक घंटा व्यायाम करने से ही धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको ज्यादा समस्या आ गई है, आपको किसी छोटे से रोग ने नहीं बल्कि किसी गंभीर रोग ने घेर रखा है, तो फिर आपको एक एक घंटा दिन में दो बार का समय लगाना चाहिए। आप पेट की सफाई अच्छे तरीके से हो जाए, सिर्फ इसका आपको ध्यान रखना है, तो आप सवेरे सवेरे 40 मिनट में 4 किलोमीटर के आसपास चलें। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए मरकटासन का अभ्यास करें। मरकटासन बहुत अच्छा आसन होता है, जिससे आंतों की चाल भी बढ़ती है, आंतों में जो इनएक्टिविटी का लेवल बढ़ रहा होता है वो धीरे धीरे करके आते हैं एक्टिव मोड पर शिफ्ट होना चालू हो जाती हैं। अर्ध मत्स्येन्द्रासन, एक पाद पवन मुक्तासन, तिर्यक भुजंगासन और त्रिकोणासन, आप इन आसनों को बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा आगे लिख करके एक एक आसन को अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको हर आसन का अलग से वीडियो मिलेगा। इन आसनों का अभ्यास आपके लिए बहुत हितकर, बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके बाद में प्राणायाम में आप दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। दीर्घ श्वसन का अभ्यास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हम देखेंगे 3 ऐसे नुस्खे जो आपकी आंतों को पूरे तरीके से साफ करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला, आप अगर एसिडिटी के पेशेंट हैं इस समस्या के साथ में और आपको शुगर अगर नहीं है, तो आप 1 चम्मच आंवले का पाउडर, उसमें लगभग 1.5 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला करके 1 ग्लास पानी के साथ सवेरे व्यायाम करने के पहले ले लें। इससे लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको एक पतला सा मोशन आएगा और लगभग आंतें पूरी आपकी बिल्कुल साफ हो जाएंगी, जिससे पेट ठंडा भी होगा, एसिडिटी भी कम हो जाएगी और अगले दिन से पेट आपका जल्दी से साफ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप त्रिफला के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला के पाउडर का उपयोग आप लगभग व्यायाम करने के बाद, अगर आप आंवला मिश्री नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको शुगर है या फिर आंवले से आपके गले में खराश आ जाती है, अकेला आंवला आपको खटाई में रखा जाए, अगर थोड़ा खट्टा होता है, वैसे आंवले को खटाई में नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी मान लेते हैं आंवला आप किसी वजह से नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप त्रिफला जो होता है, हरड़ बहेड़ा आंवले का कॉम्बिनेशन, इसका लगभग 0.5 से 1 चम्मच पाउडर 1 कप गुनगुने पानी से व्यायाम करने के बाद ले लीजिए। 0.5 घंटे तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, 0.5 घंटे के बाद लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास पानी 1-1 ग्लास करके हर 2-5 मिनट में पिएंगे और थोड़ा बहुत चलते रहेंगे, तो त्रिफला का पाउडर जो था वो पूरी आंतों में अच्छे तरीके से सफाई कराने का काम करेगा और लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे में ही पतला सा दस्त लगेगा, पूरा जमा हुआ मल जो आंतों में चिपका हुआ था वो पूरा निकल करके बाहर आ जाएगा। उसके साथ फिर आप मोटे आटे की रोटी खाने को ज्यादा चबाना, पानी थोड़ा ज्यादा पीना और व्यायाम अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी आंतों की जो इनएक्टिविटी थी, आंतों की जो शिथिलता थी, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और जो बाथरूम में आपका समय 0.5-0.5 घंटे लगाने के बाद भी पेट एकदम से साफ नहीं हो रहा था, पेट खुल करके साफ नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल साफ होना चालू हो जाएगा। तीसरा जो है वो है हरड़। हरड़ को आप छोटी हरड़, जवा हरड़ जिसको बोलते हैं, काली हरड़ जिसको बोला जाता है, वो आप लगभग 250 ग्राम के आसपास ले लीजिए और उस पर लगभग 100 ग्राम तेल तवे पर डाल करके आप उस हरड़ को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। जब वो अच्छे तरीके से भुन जाए तो फिर उसको खल में डाल करके एक हरड़ के 2 या 3 टुकड़े हो जाए, इस तरीके से हरड़ को कूट लीजिए। कूटने के बाद आप उसमें थोड़ा सेंधा नमक और काला नमक मिला करके, अगर आपको बीपी की समस्या नहीं है तो, अगर बीपी की समस्या है या फिर आपका क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बिना नमक डाले आप उस हरड़ को कांच के डब्बे में भर के रख लीजिए और 3 से 4 टुकड़े हरड़ के खाने के लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद मुंह में डालें और उनको लार के साथ उस हरड़ के रस को आप आमाशय आंतों में पहुंचाएंगे। ये नुस्खा आपके लिए पेट की सफाई के लिए रामबाण नुस्खे का काम करेगा।
आपको पित्त भी बिल्कुल नहीं बनेगा, आपके वायु जो वात होता है यहां दबाने से वात निकल रहा है, यहां दबाने से वात निकल रहा है, डकार आ रही है लगातार, इस समस्या में आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम मिल जाएगा। आशा है ये पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए जिनका पेट एक बार में साफ नहीं हो रहा है, जिनको बहुत लंबे समय तक बैठने के बाद भी पेट साफ हुआ है इस चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो सारे लोग वीडियो में बताई गई बातें अच्छे तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही उनको बहुत अप्रत्याशित लाभ महसूस होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।